मित्रों आज वीडियो में चैप्टर 13 आंकड़ाशास्त्र एम आप फॉर्म की चैनल रीत जाना है। तो वीडियो चालू करता पहले जो चैनल ने सब्सक्राइब न करी हो तो जल्दी चैनल ने सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करो कि जेने अपनी कोई पण वीडियो मूकी तो सौ पहला तमारी पास आए। तो आज वीडियो चालू करीश। तो वर्ग और एफ आई आपेला है तो आप सौ पहले एफ आई सरवाड़ो करीश। दस बत्ता पंदर बत्ता त्रीस बत्ता बीस बत्ता पंदर बत्ता आठ बत्ता बे तो के सरवाड़ो सौ। हवे शू शोध एक्स आई तो मित्रों एक्स आई कई रीते शोध बने सरवाड़ो भाग्या बे के शोधवा बने सरवाड़ो भाग्या बे तो जीरो वत्ता पचास तो पचास भाग्या बे तो पच्चीस डिफरेंस के डिफरेंस के पचास पचास नो डिफरेंस पचास पचास उमरी जवा पच्चीस मे पचास उमरी पंचोतेर पचास उमरी तो एक सौ पच्चीस एम पचास उमरी तो एक सौ पंचोतेर एम पे पचास उमरी पचास पचास उमर जानके पचास पचास नो डिफरन्स एम पचास उमरी तो बसो पंचोतेर एम पचास पचास उमरी बराबर जीरो माइनस एक माइनस बे माइनस एक बे त्रण हम शू करो एफ आई युवाई नो एफ आई युवाई दस गुणा माइनस त्रण तो माइनस त्रीस पंदर दो त्रीस त्रीस एका त्रीस वीस गुणा जीरो तो जीरो कोईपन संख्या ने जीरो वे गुणी तो जाते जीरो जाए पंदर एका पंदर आठ दो सोल बेतालीस छ सौथी पहला जीरो संख्या हो सरवाळो करवानो माइनस नेव वत्ता पंदर वत्ता सोल वत्ता छ वत्ता साड़त्रीस तो माइनस नेव वत्ता साड़त्रीस तो के माइनस तेपन चलो प्लस माइनस माइनस मोटी संख्या आगे चिन्ह x बराबर मध्य शोधवा बराबर एक सौ पंचोतेर सीग्मा एफ आई सौ सीग्मा एफ आई वाई माइनस तेपन सूत्र एक्स बार बराबर ए प्लस सीग्मा एफ आई वाई अपन सीग्मा एफ आई गुणिया एच तो ए बराबर के एक सौ पंचोतेर सीग्मा एफ आई वाई माइनस तेपन माइनस कोस में मूक्यू सीग्मा एफ आई सौ गुणिया एच तो मित्रों डिफरेंस के पचास पचास एच बराबर के पचास तो बराबर एक सौ पंचोतेर प्लस माइनस माइनस तेपन ना छेद में सौ गुणिया पचास जीरो जीरो गया पांच दो दस तो बराबर एक सौ पंचोतेर माइनस तेपन ना छेद में बे तो बराबर एक सौ पंचोतेर माइनस हम शू करवानो तेपन भाग्या बे तो छब्बीस पॉइंट पांच
तो वे 17.5 એમાંથી 26.5 બાદ કરવાનું કેટલા આવે -9 સોરી 175 માંથી 26.5 બાદ કરીએ તો 148.5 મેં અહીં પોઈન્ટ લીધો તો પોઈન્ટ નહોતો રાઈટ ચલો એટલે માટે x માં બરાબર શું આવે 148.5 તો લખીશું કે આમ આપેલ માહિતીનો મધ્ય 148.5 છે તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આટલું જ કાલે ફરી એક નવા વિડીયો સાથે મળીશું